अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही चटपटा और टेस्टी मूली हरी मिर्च का अचार, जो कि बनेगी बहुत आसान तरीके से और झटपट से बन जाएगी। तो चलिए इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे मूली, ये मैंने 1 kg ली है। तो इस तरह से धो के अच्छे से पहले हमें साफ़ कर लेनी है, फिर इसके पत्ते निकाल लेंगे। इस पत्ते की भी मैं एक रेसिपी बनाऊंगी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो ये पत्ते सारे मैं अलग कर ली हूँ और अब इसके छिलके हम निकाल लेंगे। इस तरह से सारे मूली के छिलके निकाल लें छील करके। तो ये देखिए इस तरह से छील लेना हमें, फिर इसके हम चलिए कट करेंगे। ये साइड वाले पार्ट हटा देंगे और ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बस मीडियम साइज़ के इस तरह से गोल गोल हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली, बस इतने मोटी साइज़ के हमें ये सारे मूली को कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिए सारे। अब इस तरह से कोई एक जाली वाला बर्तन ले ले, अगर आपके पास जाली वाला बर्तन ना हो तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो इस तरह से मैंने इस जाली वाले बर्तन में छन्नी जैसी होती है ना, वो ले ली है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हम 2 ग्लास पानी डालेंगे, आप चाहें तो पतीली में भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो जाली छन्नी वाली वो प्लेट होती है ना, वो ना हो, तो उसकी जगह पे आप इस तरह से कढ़ाई के ऊपर या डेगची के ऊपर एक कपड़ा बांध लें और उसके ऊपर ये सारे मूली को रख दें स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पे देखें पानी उबल जाने के बाद हम इस तरह से ये मूली को रख देंगे और 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे स्टीम होने देंगे। 15 मिनट के बाद ही हम इसे निकालेंगे फिर। तो ये हमारा मूली अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है, ये पानी को हटा देंगे। फिर एक पैन लेंगे, इसमें 5 से 6 सूखी वाली लाल मिर्च लेंगे, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च लेंगे और 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे लेंगे पीली वाली सरसों और 1 छोटी चम्मच काली वाली सरसों, और यहाँ पे लेंगे 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे मेथी दाना लेंगे और 1 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। और इन सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पे बस हल्का सा भून लेना है 1-2 मिनट के लिए, इतना कि ये गर्म हो जाए। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस गर्म करना है। तो ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। इसे ठंडा होने के बाद हम एक इसे ग्राइंडर जार में पीस कर इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। तो उसी पैन में यहाँ पर 1/2 कप सरसों का तेल डालेंगे और इसे इतना गर्म करना है कि धुआं आने लगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये धुआं आने लगी है, तो गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हमें सारी चीज़ें मिलानी है। तो यहाँ पे ये मूली को डाल देंगे। मूली अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसमें सारी चीज़ें हम करेंगे। तो मूली को डाल देंगे और यहाँ पे मैंने देखिए 100 ग्राम ये हरी मिर्च ली है, धोकर अच्छे से साफ़ कर ली है और इसका पानी अच्छे से सुखा लेना है। बिना पानी के ही इसमें डालना है, ज़रा भी मिर्च में पानी ना रहनी चाहिए। तो हल्के हल्के इस तरह से 1/2 कट कर लेंगे और सारी मिर्ची को इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर ये मसाले भी ठंडे हो चुके हैं, मिर्ची की डंडी तोड़कर ये मसाले डालकर इसका हम एक दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रहे इतना ही ये इसका मसाला हमें तैयार करना है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इस मसाले को इसमें डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस की जगह पे आप 2 बड़े चम्मच वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं, यानी कि सफ़ेद सिरका। अब इसमें 1 छोटी चम्मच यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच नमक डालेंगे। इतनी मूली में 2 बड़े चम्मच नमक लग जाएंगे, तो यहाँ नमक डाल देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने तेल गर्म करके रखा था, तो तेल अच्छी तरह ठंडी हो जाए उसके बाद ही डालें। तो ये सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सारे मसाले मिला लेने के बाद ये देखें हमारा ये चटपटा सा मूली का अचार रेडी हो गया। आप चाहें तो इसी पॉइंट पे इसे खा सकते हैं, लेकिन इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर 2 दिन के लिए धूप लगा लें तो ये ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो एक कंटेनर को जो है हमने ली है, इसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, इसमें ज़रा भी पानी ज़रा भी नमी ना होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपके अचार की जो सेल्फ लाइफ है काफ़ी बढ़ जाएगी, आपके अचार जो काफ़ी दिनों तक ये चलेगी। तो इस तरह से सारे मसाले इसमें डाल देंगे। तो लीजिए ये हमारा झटपट सा बहुत ही चटपटा टेस्टी हरी मिर्च और मूली का अचार बनकर रेडी है। आप इसे जब भी खाओगे तो 1 रोटी की जगह पे आप 2 रोटियां खा लोगे, बहुत डिलीशियस बनती है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इस अचार को ज़रूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी। और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।